हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो हे गाइस, आप सभी को आज दिखाने वाले हैं अनार के पौधे। तो गाइस, अनार के पौधे किस तरीके और कितने बड़े होते हैं और कैसे होते हैं, तो गाइस आप सभी को आज इस वीडियो में दिखाने वाले। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आई होप आप सभी को इस वीडियो में मज़ा जरूर आएगा। तो चलिए गाइस, तो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले देखो, इस तरह के फूल होते हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। और गाइस, यहाँ पे इस अनार के लिए इस तरह की पानी की नलियाँ होती हैं, उसमें बूंद बूंद करके पानी जाता है। आप देख सकते हो, इस तरह की नली होती है, इस छोटे से हॉल में सब बूंद बूंद करके पानी गिर के इसके अंदर जाता है। और इस तरीके से पौधे बड़े होते हैं, और इसको बड़े होने में कम एक से डेढ़ साल लग जाते हैं। गाइस अभी तो ये छोटे गाइस अभी देख सकते हो, ये छोटा पौधा। अभी आपको दिखाने वाला हूँ सबसे बड़ा पौधा, उसमें सबसे अनार कैसे लगते हो आपको दिखाने वाला। तो गाइस चलते हैं बड़े वाले खेत के अंदर। गाइस इस बगीचे में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि इस बगीचे में काफ़ी बड़े पौधे हैं अनार के। तो गाइस इस बगीचे में क्योंकि इस बगीचे में सबसे पहले पौधे लगाए गए थे, इसके लिए काफ़ी बड़े पौधे हैं। गाइस आप दूर दूर तक देख सकते हो, यहाँ पे गाइस आपको दूर दूर तक अनार के पौधे दिखाई दे रहे हैं। गाइस इस खेत में अनार के लगभग पौधे 3000 से ऊपर होंगे। गाइस आप देख सकते हो, दूर दूर तक अनार के पौधे ही पौधे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो आई होम गाइज आप लोगों को इस अनार के बारे में आप सभी को पता चल गया होगा किस तरीके के पेड़ होते हैं और किस तरीके के अनार किस तरीके के बड़े होते हैं। तो गाइज आई होम आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा, तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो और इसी तरह वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे नए ऐसी मज़ेदार नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।